कृषि बिलों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों की तैयारियों को देखते हुए लगता है कि किसानों की लड़ाई लंबी चलेगी। दिल्ली जाने वाले विभिन्न राजमार्गों पर किसान डटे हुए हैं। सीकर जिले के किसान भी 12 दिसंबर से शाहजहांपुर बॉर्डर पर रुके हुए हैं। हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड्स, पत्थर, कंटेनर्स के डिब्बे लगाकर के किसानों को दिल्ली जाने से रोक करके रखा है। सीकर जिले के किसानों की संख्या दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रही है। शाहजहांपुर बॉर्डर पड़ाव स्थल पर ट्रकों में भर करके ईंधन और अन्य सामान वहां पर पहुंच रहा है। कृषि बिलों को लेकर केंद्र सरकार अपने स्टैंड पर कायम है। वहीं किसानों के तेवर देखते हुए लगता है कि किसान भी मांगों को लेकर के पीछे हटने वाले नहीं है। किसान हाड़ कंपकपा देने वाली इस सर्दी से बचने के लिए व्यापक इंतजाम कर रहे हैं। सीकर जिले के खंडेला, दांतारामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, धूद, श्रीमाधोपुर से किसान शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। सीकर जिले के किसानों का नेतृत्व कॉमरेड अमराराम पेमाराम कर रहे हैं। वहीं पिछले एक सप्ताह से सुभाष नेहरा, माकपा के जिला सचिव किशन पारीक, रामरतन बगड़िया, अखिल भारतीय किसान सभा खंडेला के प्रवक्ता केशाराम धायल, एसएफआई नेता सत्यजीत भींचर, कॉमरेड मंगल सिंह डटे हुए हैं। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार के कृषि बिलों को वापस नहीं लेने तक वे यहां से वापस नहीं लौटेंगे। बहुत जबरदस्त है। क्या खा रहे हो आप? किशमिश, रहे हुए काजू किशमिश, बूंदी के लाडू, देसी घी के, बड़े स्वादिष्ट हैं। आप कहाँ से आए? खंडेला से। अच्छा, आप? हम आए श्रीमाधोपुर से। अच्छा अच्छा, क्यों क्यों, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है ये प्रधानमंत्री धोखा दे के प्रधानमंत्री बन गया। हाँ। और आप जाते ही बोला चौकीदार है। हाँ। ये चौकीदार अमानी अडानी का हो गया अभी। अच्छा, अब मालूम पड़ा हमारे को। हाँ, तो अब क्या चाहते हो आप? अब तो ये कानून हमारे खिलाफ बना है, उस कानून के खिलाफ लड़ते रहेंगे हम लोग, लड़ेंगे। क्या नाम आपका? रामेश्वर नाम। कब तक लड़ोगे आप? हम चाहे 6 महीने हो जाए, चाहे साल भर हो जाए, वापस नहीं जाएंगे कभी भी, कानून खत्म करने के बाद ही जाएंगे। नहीं तो पुलिस गोली और बंदूक चला रही है। गोली गोली से किसान नहीं डरता, किसानों के ही औलाद है वो गोली चलाने वाले भी। अच्छा अच्छा, देश की रक्षा करने वाले किसान की औलाद है, इन नेताओं की औलाद नहीं है जो शासन पर बैठ गए उनकी। अरे भाई, 3 साल बाद में तो मोदी हट जाएगा ना, तब तक बैठे रहेंगे, दोबारा चुनाव होने तक ही उसको हटा के रहेंगे, हमारा कानून रद्द करवा के रहेंगे। करके तैयार है तो आ सकते तो है, कुंभ 12 साल है किसानों को तो सब बड़ो कुंभ हो ही है, शरीर को भाव रह जाए लोगो के बाद में कोई नहीं। ये मेरा तो आपसे यही निवेदन है, अभी मान लीजिए बहुत से साथी आए हैं समर्थन कर रहे हैं, मैं तो एक नारा लगाऊंगा और सब उस किसान के इन कानूनों से नरेंद्र मोदी ने अंबानी और अडानी की यारी की और देश से गद्दारी। नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी का यार है, देश का गद्दार है। यहाँ जाना अगली को नुकसान है, अरे यहाँ जाना मोदी और मोदी का यारों को नुकसान है, इसलिए उठान वो ऐसा। इसकी जुमलेबाजी सामने आ गई जनता के, इसको बिल्कुल हराएंगे और हमारा कानून रद्द करवाएंगे, किसानों की जीत होगी, मोदी हारेगा, इसमें कोई दोराय नहीं है। कब तक भाई? तो मोशड़े उतर पर हाले अब जाकर उन्हें नहीं